जय हिंद टू एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, लेसन नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप। यानी कि फोटोशॉप में हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जो भी हम लोग देखते हैं कि जो भी डिजाइनिंग टाइप्स कोई भी इमेजेस होती है या फिर हम लोग जो भी एल्बम देखते हैं तो वो सब किस में होता है, फोटोशॉप में। सो नाउ इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट द हाउ टू स्टार्ट द फोटोशॉप, व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ फोटोशॉप, हाउ टू सेव अ फाइल, कौन कौन से टूल्स है इसमें, क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे, देन हाउ टू क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, एंड कोई भी इमेज को अगर हमें ओपन करना है या फिर उसमें एडिटिंग करना है तो उसमें वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे इन दिस लेसन। नाउ फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन। Adobe Photoshop CS6 इज अ वर्जन। यस, CS6 क्या है, वर्जन है। इज अ पावरफुल ग्राफिक सॉफ्टवेयर डेवलप एंड पब्लिश्ड बाय Adobe इनकॉर्पोरेशन। यस, Adobe Photoshop किसका है, यस इज अ पावरफुल ग्राफिक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग डेवलप भी कर सकते हैं कोई भी फोटोज़ को या फिर उसको पब्लिश करना है तो पब्लिश भी कर सकते हैं। और ये किसने डेवलप किया है, Adobe इनकॉर्पोरेशन ने। इट इज़ द मोस्टली कॉमनली यूज इमेज क्रिएशन एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स यू टू मैनिपुलेट, रिटच, क्रॉप, रिसाइज एंड गिव कलर्स टू द डिजिटल फोटोग्राफ। यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर है उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कोई भी नई इमेज बनानी है तो इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी एडिटिंग करना है इमेज में तो उसके मदद से यानी कि सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग ये भी चीज़ एडिटिंग भी कर सकते हैं। वो एडिटिंग किस टाइप का रहेगा, मैनिपुलेट करना है, रिटच करना है, क्रॉप करना है कोई भी फोटोज़ को। अभी हम लोग व्हाट्सअप में कोई भी इमेज को सेंड करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप करके उसको रिसाइज कर सकते हैं, कलर्स भी उसमें चेंजेस कर सकते हैं, या फिर जो भी डिजिटल फोटोग्राफ्स है उसमें कोई भी टाइप की हम लोग यहाँ पर उसमें टच यानी कि उसमें एडिटिंग करवा सकते हैं। नाउअडेज पोस्टर, बैनर्स, मैगजीन, ब्रोशर्स एक्सेट्रा आर क्रिएटेड और एडिटेड बाय यूजिंग द फोटोशॉप CS6। यानी कि पोस्टर जो हम लोग देखते हैं, बैनर देखते हैं, मैगजीन में जो हम लोग इमेजेस देखते हैं या फिर कोई भी ब्रोशर बना रहा है कंपनी का, यस, तो ये सारी की सारी चीज़ यानी कि ये फोटोशॉप में हम लोग उसको क्रिएट भी कर सकते हैं, उसमें क्रिएट भी करवा सकते हैं और अगर हम लोग चाहें तो उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। नाउ Adobe Photoshop was first developed by Thomas Cornell। यानी कि ये जो Adobe Photoshop है उसने किसने डेवलप किया था, थॉमस कॉर्नल ने। नाउ हाउ टू स्टार्ट द फोटोशॉप CS6। टू स्टार्ट अ फोटोशॉप CS6 क्लिक ऑन द स्टार्ट मेनू, देन गो टू द ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन। उसमें Adobe मास्टर कलेक्शन का एक फोल्डर दिया होगा, उसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है, Adobe Photoshop CS6। सो आपको यहाँ पर आइकॉन भी दिखाई दे रहा है, एज अ आइकॉन के थ्रू भी आप लोग अगर डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बनाई हुई है तो यहाँ से भी उसको यहाँ पे आप लोग उसको उसके ऊपर डबल क्लिक करके उसको यूज़ ओपन करवा सकते हो। नाउ अब कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं Adobe फोटोशॉप में। सो फर्स्ट वन इज़ मेनू बार। मेनू बार में 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनू होते हैं, जैसे कि फाइल, एडिट, इमेज एक्सेट्रा फॉर डूइंग अ वेरियस टास्क। यानी कि हम लोग फाइल में पता है कि फाइल में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ओपन करनी फाइल, न्यू फाइल बनाने के लिए, सेव करने के लिए, सेवेज करने के लिए, यस, तो ये सारी की सारी चीज़ एडिटिंग करना है कोई भी फोटोज तो उसके सभी टाइप के जो टास्क रहते हैं वेरियस टास्क वो हम लोग इस मेनू से हम लोग यहाँ पर पता लग सकता है। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑप्शन बार। ऑप्शन बार किसके लिए होता है, यस इट डिस्प्लेज द डिफरेंट ऑप्शन एंड प्रॉपर्टीज दैट आर अवेलेबल फॉर द सिलेक्टेड टूल। यानी कि ऑप्शन में क्या रहेगा कि जो डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, यस, जो डिफरेंट मेनूज होते हैं, जो सिलेक्टेड जो टूल्स हमने सिलेक्ट किए उसके कितने ऑप्शन है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ ये ऑप्शन के थ्रू हम लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगी। टूल बार, इट कंटेन्स वेरियस टूल्स दैट आर यूज टू क्रिएट, एडिट एंड एनहांस एन इमेज। टूल बार के थ्रू क्या पता चलेगा कि कोई भी टाइप के टूल्स, ब्रश यूज़ करना है या फिर कोई भी ऐसे आपको पेंसिल यूज़ करनी है, कलर करना है, रिटच करना है, तो ऐसे कई सारी चीज़ आप लोगों को वहाँ पर मिलेगी। वर्कस्पेस, वर्कस्पेस मींस इट इज़ द प्लेस वेर यू क्रिएट एंड एडिट इमेजेस। यानी कि एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी जगह जहाँ पर आप लोग अपनी इमेज को बना भी सकते हो, अगर इमेज में कोई भी ऑलरेडी इमेज आपके पास है अगर उसमें कोई भी एडिटिंग करना है, यस, तो उसमें एडिट भी करवा सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ कलर पैनल। इट इज़ यूज टू अप्लाई कलर इफेक्ट्स टू द इमेज। यानी कि कलर पैनल के थ्रू क्या कर सकते हैं कि कोई भी इमेज की आप लोगों को इफेक्ट देनी है या फिर कोई भी दूसरी इमेज कलर करना है तो वो सारी की सारी चीज़ जो हम लोग कलर के थ्रू वहाँ पकड़वा सकते हैं। सो कलर पैनल दैट विल बी यूज फॉर द इमेज। नेक्स्ट वन इज एडजस्टमेंट पैनल। यानी कि इट इज़ यूज टू एडजस्ट द सेटिंग्स ऑफ द इमेज। यानी कि
इमेज को सेट करना है, किस तरह से कितना रखना है, कितना कहाँ पर रखना है, लेफ्ट राइट रखना है, राइट हैंड साइड रखना है, टॉप पे रखना है, बॉटम साइड रखना है, तो सारी की चीज़ हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, कलर पैनल के थ्रू। नेक्स्ट वन इज़ लेयर पैनल। इट इज़ यूज टू सेट द ऑर्डर ऑफ विजिबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। यानी कि लेयर पैनल के थ्रू क्या पता चलेगा कि जो आप लोगों ने ऑब्जेक्ट्स वहाँ पर यूज़ किए उसकी विजिबिलिटी कितनी रखनी, उसको दिखाना है नहीं दिखाना है, सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ किया है तो सर्कल दिखाना है कि नहीं दिखाना है, वो हम लोग लेयर पैनल के थ्रू वहाँ पर करवा सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज स्टेटस बार। इट डिस्प्ले जूम लेवल ऑफ वर्क स्पेस एंड साइज ऑफ फोटोशॉप फाइल। यानी कि जूम लेवल मीन्स मिनिमाइज मैक्सिमाइज। जूम करेंगे तो हम लोग कोई भी इमेज को जूम करेंगे तो वो कितना मिस के वो कितना ब्लर हो सकता है, कितना वो हाई रिजोल्यूशन में है या नहीं है, या फिर आप लोग जो भी फाइल बना रहे हो उसकी साइज़ कितनी रखनी है, वो भी हम लोग इस स्टेटस बार के थ्रू यहाँ पर दिखा सकते हैं। यस, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो ये सारे के सारे ऑप्शन आप लोगों को आप लोग अपनी मिस के आप लोग यहाँ पर उसको देख सकते हो। नाउ What is the features of Photoshop? अब फीचर्स क्या है फोटोशॉप का हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसके फीचर्स कौन कौन से हैं, क्यों हम लोगों को ये यूज़ करना चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। कि यूज़र फ्रेंडली है, कोई भी पर्सन उसको सीख के या फिर देख के उसको यूज़ कर सकता है। सेकेंड वन इज फोटो मैनिपुलेशन कैन बी डन इन लेस टाइम। यानी कि कोई भी फोटो आप लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए दिया है तो वो कम टाइम में यानी कि कम समय में वो चीज़ आप लोग यहाँ पर उसको कर सकते हो। Powerful tools are used to change the color of an image by adjusting brightness, contrast, color balance, hue and saturation levels. यानी कि powerful tools भी यहाँ पर दिए ताकि आपको अगर color कोई भी image में आपको color change करना है या फिर उसकी brightness को change करना है, plus minus करना है, contrast color करना है या फिर color balance करना है, तो ये सारी की सारी चीज़ हम लोग यहाँ पर इसके यानी कि Photoshop में कर सकते हैं। Next one is Create graphics for web application with reduced file size, thus helping in faster loading of the website. कि जो भी graphics है web application यानी कि online जो हम लोग internet पर देखते हैं तो उसके जो graphics होते हैं उसमें size को reduce करना है या फिर उसके जो graphics रहते हैं उसको कम करना है। यस, ताकि हम लोग जब भी वेबसाइट पे उस चीज़ को सर्च करें या फिर उसको देखें तो वो जल्द से जल्द यानी कि faster यानी कि उसका जो loading रहता है वो जल्द से जल्द हो जाए। लेयर इफेक्ट प्रिजर्व्स द ओरिजिनल स्टेट ऑफ द इमेज। यानी कि जो लेयर इफेक्ट हम लोग करेंगे वो ओरिजिनल जो स्टेट रहता है यस, तो वहाँ पर वो क्या करेगा उसको प्रिजर्व कर देगा यानी कि उसको संभाल के रखेगा ताकि जब तक आप लोग फाइल को सेव नहीं करोगे तब तक वो चीज़ यानी कि चेंजेस में करने की परमिशन देगा नहीं। कैन बी यूज टू क्रिएट अ 3D आइकॉन्स। यानी कि फोटोशॉप में हम लोग क्या कर सकते हैं 3D आइकॉन्स भी अगर हमें बनाने हैं तो भी हम लोग यहाँ से इसके थ्रू यहाँ पर बना सकते हैं। क्लियर एवरीवन? Now, creating a new file. अब नई फाइल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? To create a new file, फाइल मेनू में चले जाओ, न्यू ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन के थ्रू आप लोग यहाँ पर उसके जब भी न्यू बटन के ऊपर यानी कि न्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको जो भी नया डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो उसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वन इज़ नेम। नेम का मीनिंग क्या है? स्पेसिफाइज द न्यू नेम फॉर द फोटोशॉप फाइल। यानी कि आपको अपनी फाइल का नेम क्या रखना है, किस टाइप का रखना है, कौन सी चीज़ में रखना है, वो आप लोग यहाँ पर दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट द नेम गिवन इज अनटाइटल वन। यानी कि बाय डिफॉल्ट जब भी आप लोग कोई भी नेम नहीं देते हो तब तक उस फाइल का नेम क्या रहेगा, अनटाइटल वन। अगर आप लोगों को अपने हिसाब से कोई भी नेम सेट नहीं करना है यस, तो उसका नेम क्या रहेगा, अनटाइटल वन करके उसके फाइल नेम बाय डिफॉल्ट वो रहेगा। नेक्स्ट वन इज विथ एंड हाइट। यस, दैट्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि विथ एंड हाइट। स्पेसिफाइज द विथ एंड हाइट ऑफ द न्यू डॉक्यूमेंट इन पिक्सल, सेंटीमीटर, इंचीज, पॉइंट, मिलीमीटर्स एंड पिकास। यस, कि जो भी हाइट एंड विथ दिए हुए थे आप लोगों को उसमें से पिक्सल में ले सकते हो तो पिक्सल में लो हो, देन सेंटीमीटर में cm में लेना है तो cm में लो हो, इंचीज में लेना है तो इंचीज में लो हो, पॉइंट में लेना है तो पॉइंट में लो हो, मिलीमीटर्स में लेना है तो मिलीमीटर्स में लो हो, एंड पिकास में लेना है यानी कि पिक्चर के जो स्केल होते हैं उसमें अगर लेना है तो आप लोग उसमें भी ले सकते हो। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट वन इज रिजोल्यूशन। स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ पिक्सल पर इंच। मोर रिजोल्यूशन मेक्स द इमेज क्लियर वाइल लेस रिजोल्यूशन मेक्स द इमेज ब्लर। यानी कि जितना रिजोल्यूशन जितना पिक्सल का रिजोल्यूशन हाई होगा उतनी आपकी इमेज क्लियर भी बनेगी
और अगर आप लोगों के लेस रेजोल्यूशन में कोई भी आप लोगों ने फोटोज़ डाउनलोड किए या फिर आप लोग उसमें बना रहे हो तो वो इमेज कैसी बनेगी, ब्लर बन जाएगी। अगर जूमिंग करने के टाइम पे वो इमेज कैसी रहेगी, वो चीज़ ब्लर बन जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ कलर मोड। कलर मोड में क्या आएगा कि स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ कलर्स दैट कैन अपियर इन एन इमेज। कि वहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो भी हम लोग यहाँ पे इमेज बना रहे उसमें कितने कलर हम लोगों को यूज़ करने, किस टाइप के कलर होने चाहिए। यू कैन यूज़ बिट मैप ग्रेस्केल यानी कि ब्लैक एंड वाइट, आरजीबी कलर यानी कि रेड ग्रीन ब्लू। उसमें से आप लोग कोई भी, जैसे हम लोग सभी को पता है कि मेन तीन कलर होते हैं आरजीबी यानी कि रेड ग्रीन एंड ब्लू, लैब कलर एंड सीएमवाईके कलर। यस, उसमें से कोई भी कलर मोड आप लोग यहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज़ द बैकग्राउंड कंटेंट्स। सिलेक्ट द इनिशियल बैकग्राउंड कंटेंट ऑफ द न्यू डॉक्यूमेंट। यानी कि कोई भी बैकग्राउंड अगर देना है, नहीं देना है, किस तरीके से हम उसको सेट करना है, कहाँ से सेट कर सकते हैं, तो वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर उसको सेट करना रहेगा। आरजीबी कलर मोड डिफाइंस कलर्स इन टर्म्स रेड ग्रीन एंड ब्लू। एंड सीएमवाईके दैट मीन्स कलर मोड डिफाइंस कलर्स इन टर्म्स शियान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक। यस, इतने कलर सीएमवाईके कलर में आते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, हाउ टू सेव योर फाइल। अगर हम लोग कोई भी फाइल बना रहे तो उसको कैसे सेव करना है। यस, सेम तरीका है, सेम ऑप्शन है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। सिर्फ चेंजेस इतने रहेंगे कि आप लोगों को मेनू, फाइल मेनू में जाके सेव बटन के यानी कि सेव ऑप्शन पे ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने जो ये सेवेज का ऑप्शन यानी कि डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आप लोगों को अपनी फाइल का नेम जो भी आपको रखना है वहाँ पर लोग लिख सकते हो। एंड देन स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फाइल इन द फाइल नेम कॉम्बो बॉक्स। यानी कि जो फाइल नेम रहेगा उसमें आप लोगों को अपने हिसाब से जो भी नेम रखना है। बाय डिफॉल्ट तो अनटाइटल वन रहेगा, लेकिन इफ़ यू वांट टू चेंज बाय योर सेल्फ, अगर आप लोगों को चेंज करना है उस फाइल के नेम को, तो आप लोग यहाँ से उसको चेंजेस कर सकते हो। एंड क्लिक ऑन सेव बटन। ये जो फाइल बनेगी उसका एक्सटेंशन यानी कि फोटोशॉप में अगर कोई भी इमेज आप लोग क्रिएट करते हो तो उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, PSD। यानी कि क्या रहेगा, PSD, दैट मीन्स फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। क्या रहेगा उसका फुल फॉर्म, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। नाउ फोटोशॉप एड्स .psd एक्सटेंशन टू द फाइल नेम। यानी कि ये फाइल नेम के बाद ही आप लोग यहाँ पे उसको देख सकते हो। नाउ ओपनिंग एन इमेज फॉर एडिटिंग। कोई भी आपके पास इमेज है उसमें कोई भी टाइप का एडिटिंग करना है तो उस इमेज को हम लोग कहाँ से ला सकते हैं, क्लिक ऑन फाइल। यस, फाइल मेनू में हम लोगों ने क्लिक कर दिया, उसमें एक ऑप्शन दिया गया होता है ओपन करके, उस ऑप्शन को आप लोग को ओपन करोगे। आप लोगों के जहाँ पर जिस ड्राइव में, जिस फाइल में, जिस फोल्डर में आप लोगों की फाइल रहती है उसको वहाँ से सिलेक्शन करना पड़ेगा। एंड देन यू कैन सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को क्या प्रेस करना पड़ेगा, ओपन बटन को प्रेस करना पड़ेगा। सो ताकि आपकी जो इमेज है वो कहाँ पर आ जाएगी, वर्क स्पेस एरिया में। तो नाउ यू कैन यूज़ द फोटोशॉप टूल्स टू एडिट द इमेज। तो फोटो टूल्स के जो भी इमेजेस होते हैं जहाँ पर आप लोगों ने ये चीज़ को सेव किया है, यस, जो भी टूल्स है उसके, तो वहाँ पर आप लोग उसको यूजिंग टूल्स। द टूल बार कंटेंस ऑल द टूल्स दैट आर अवेलेबल इन फोटोशॉप फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग इमेजेस। यानी कि टूल बार में जो भी टूल्स आप लोगों के पास यहाँ पर है, जितने भी टूल्स है, वो उस टूल्स की मदद से हम लोग फोटोशॉप में कुछ भी इमेज को क्रिएट भी कर सकते हैं, अगर एडिटिंग करना है तो एडिटिंग भी करवा सकते हैं। देर आर सो मेनी टूल्स इन फोटोशॉप, हैंस दे ऑल कैन नॉट बी डिस्प्लेड इन वन बार। यस, कि फोटोशॉप में तो कई सारे टूल्स अवेलेबल है, बट सभी टूल्स हम लोग एक ही सिंगल बार में, वहाँ की जो आप लोगों को लाइन ड्रॉ की गई हुई उसमें सभी के सभी टूल्स आप लोगों को यहाँ पे दिखाएंगे नहीं। देयरफॉर मेनी टूल्स आर हिडन। यानी कि कई सारे ऐसे टूल्स है जो हिडन रहते हैं। यू कैन ऑब्जर्व दैट ऑलमोस्ट ऑल टूल्स हैव अ स्मॉल ट्राइंगल एट द बॉटम राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द टूल। यानी कि आप लोगों को राइट हैंड साइड पे एक बार दिया होता है ट्राइंगल करके, जिसमें आप लोग जो भी टूल्स आप लोगों को पसंद आए वो टूल्स की मदद से आप लोग कोई भी इमेज में एडिटिंग कर सकते हो, कोई भी इमेज को बना भी सकते हो। सो यहाँ पे कौन कौन से टूल्स है वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट इफ़ यू वॉन्ट टू ओपन द लिस्ट ऑफ हिडन टूल्स, क्लिक एंड होल्ड ऑन स्मॉल ट्राइंगल, अ लिस्ट ऑफ हिडन टूल्स विल ओपन। यस, अगर हम लोगों को जितने टूल्स यहाँ पर दिए हुए वो सारे के सारे टूल्स यहाँ पर देखने हैं, तो आपको राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे एक हिडन टूल्स दिया गया है ट्राइंगल का। यस, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो जितने और टूल्स हिडन है वो सारे के सारे टूल्स आप लोगों के सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। सो नाउ इन दिस टूल बार
We will learn about the move tool, rectangular marquee tool, lasso tool, quick selection tool, crop tool, eyedropper tool, spot healing brush tool, then brush tool, clone stamp tool, history brush tool, eraser tool, yes, gradient, blur, doggy, pen, horizontal type, path selection, rectangle, hand tool, zoom tool, ये सारे के सारे टूल हम लोग यहाँ पे उसको देख सकते हैं. नाउ द फर्स्ट वन टूल इज रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल. यस, रेक्टेंगुलर का मीनिंग सबको पता है कि रेक्टेंगुलर का मीनिंग क्या रहता है. नाउ रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल इज यूज टू सिलेक्ट अ रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ एन इमेज. यानी कि रेक्टेंगुलर टूल में ही वो सारी की सारी जो इमेज रहेगी उसमें वो सिलेक्ट करके आपके सामने वहाँ पर रखेगा. क्लिक ऑन रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल. Now click on the workspace and without releasing the mouse button, drag the mouse pointer to select a portion of an image to draw a rectangular. यानी कि rectangular tool को आप लोग select करते हो तो उसको वहाँ पर image में ला के उसको सिर्फ वहाँ पर छोड़ के नहीं रख देना है. आपको क्या करना पड़ेगा, उसको mouse की मदद से उसको drag and drop करना पड़ेगा. यानी कि जितना portion हम लोगों को चाहिए उतना portion आप लोगों को without mouse को release करके आपको उसको वहाँ पर select करना रहेगा. Then, note that boundary of the rectangular is dotted line with small movements. यानी कि जो आप लोगों का rectangular है वो कैसा किस टाइप का दिखेगा, एक टाइप की boundary बन जाएगी जो dotted line, small dotted line के थ्रू वहाँ पर वो चीज़ आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी. यहाँ पर आप लोग इमेज में देख सकते हो, देखो यहाँ पर इमेज ऑलरेडी बनाए हुए dotted line के थ्रू वहाँ पर वो चीज़ बने हुए जो movement करेगी. movement means या अप एंड डाउन, लेफ्ट टू राइट, ऐसे ही घूमती रहेगी. उसके हिसाब से यहाँ पर आप लोग उसको देख सकते हो. क्लियर एवरीवन? सो दैट इज द फर्स्ट वन टूल इज रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल. ओके, सो नेक्स्ट विल बी लर्न इन द नेक्स्ट सेशन. नाउ द रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल्स हैज द हिडन टूल्स. अब उसके कुछ इनसाइड हिडन टूल्स भी दिए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट वन है इलिप्टिकल मार्क्यू टूल. It is used when you want to select an oval or circular portion of an image. यानी elliptical का मीनिंग क्या होता है, अगर आप लोगों को इमेज का पोर्शन जो है वो ओवल में या फिर सर्कुलर में आपको सिलेक्शन करना है तो इसके लिए हमें कौन सा टूल यूज़ करना पड़ेगा, elliptical marquee tool. Single row marquee tool, that means it is used when you want to select a single horizontal line in an image. यानी कि सिंगल लाइन में अगर आपको करना है कोई भी horizontal line में, यानी कि लेफ्ट टू राइट, सो आपको इस यानी कि इस टूल का यूज़ करना रहेगा. सिंगल कॉलम, कॉलम मीन्स वर्टिकल. सो इट इज़ यूज्ड व्हेन यू वांट टू सिलेक्ट अ सिंगल वर्टिकल लाइन इन एन इमेज. यानी कि अगर सिंगल वर्टिकल लाइन में आपको कोई भी इमेज को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें कौन सा टूल यूज़ करना पड़ेगा, सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल. क्लियर? तो ये है हमारे हिडन टूल्स जो मार्क्यू टूल, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल के इनसाइड में भी आते हैं. क्लियर? ओके.